अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे और ये हमारा लोगैरिथम का चैप्टर है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लोगैरिथम है हमारे पास, ठीक है, कराची बोर्ड का लोगैरिथम का चैप्टर है, ठीक है, LOGARITHAM लोगैरिथम का ये चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, लोगैरिथम पढ़ेंगे और उसके इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मालूम करना होता है करैक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस लिख भी दिए यहाँ पे, इसे हम सॉल्व करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी आपको समझाने की कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये न्यू बुक मैथमेटिक्स की है, क्लास 9, ठीक है, 2.3 हमने स्टार्ट किया है। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर है हमारे पास 8, सवाल के लिखा हुआ है फाइंड द करैक्टरिस्टिक इन मैंटिसा। तो हमें मालूम करना है कि इस नंबर में करैक्टरिस्टिक क्या है, मैंटिसा क्या है ऑफ द फ्लोइंग लोगैरिथम। तो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करना है और मैंटिसा मालूम करना है। तो करैक्टरिस्टिक मालूम करने का ना बहुत आसान तरीका होता है, आपके पास अगर कोई भी नंबर है ना, 6, 4, 3, 4, 2 इस तरह से कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखा है, मैंने 4 नंबर लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर है। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसमें से वैल्यू निकालनी है करैक्टरिस्टिक की। करैक्टरिस्टिक की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, आप पॉइंट को शिफ्ट करते हो, क्या करते हो, पॉइंट को शिफ्ट करते हो। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे एक डेसिमल नंबर के बाद आपको पॉइंट लेकर आना होता है, यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है। तो मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूँगा कितने नंबर गए आगे, 1 नंबर आगे गए, मैं 6.434। ये पॉइंट अगर यहाँ गया तो क्या हुआ, एक नंबर आगे गया ना, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, प्लस का 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये पॉइंट कहाँ होता, अगर ये पॉइंट यहाँ होता और फिर देखते हैं 1, 2, तो हमारे पास क्या होता करैक्टरिस्टिक, हमारे पास करैक्टरिस्टिक होता 2 होता। इसी तरह से अगर कहीं पर भी नहीं होता तो कितना होता करैक्टरिस्टिक, 1, 2, 3, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या होता, पॉजिटिव का 3 हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, करैक्टरिस्टिक हम किस तरह से निकालते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर की मदद से। वो किस तरह से होगा वो आपको मैं इस क्वेश्चन में करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना, सवाल लिखा हुआ आपने सोल्यूशन लिखा, ये ज़्यादातर MCQs में आता है, उसके अलावा नहीं आता। तो आपको याद रखना चाहिए लोगैरिथम जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, बेस 10 का होता है, ठीक है, बेस 10 का लोगैरिथम होता है। जो भी वैल्यू निकलती है वो बेस 10 पर रख कर निकल ली होती है। हमने log 10 बेस 10 और 8 लिख दिया, अब इसकी वैल्यू निकाल दो लोगैरिथम के, या तो कैलकुलेटर से निकाल लो, सिंपल है। जब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.903, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको टेबल से करके, आपको सिर्फ करैक्टरिस्टिक निकालना है। तो करैक्टरिस्टिक निकालने और मैंटिसा निकालने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैलकुलेटर से काम कर सकते हो। बाकी मैं आगे जो क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको लॉग टेबल में करके बताऊंगा, ठीक है। तो लॉग 10 8 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.903, तो ठीक है। तो इसमें करैक्टर, अब आपको पता करना है करैक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट कहाँ है बेटा, यहाँ है, ठीक है, पॉइंट यहाँ है, क्योंकि इसका आगे कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पॉइंट यहाँ है। तो मतलब पॉइंट कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, एक नंबर के बाद ही पॉइंट है। तो मतलब इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक होगा बेटा, करैक्टरिस्टिक्स इसकी होगी क्या, 0, ठीक है। और मैंटिसा क्या होता है, जो आपके पास पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना, पॉइंट लगाकर जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, मैंटिसा होती है। ये होती है वैल्यू करैक्टरिस्टिक की और ये वैल्यू होती है मैंटिसा की। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैंटिसा की। तो हम मैंटिसा लिख देते हैं, मैंटिसा हमने लिखा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0.903, क्योंकि 0 लगाना लाजमी होता है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो हम 0 लगा के कर ले रहे हैं। अब इस वाले सवाल को देखो, इस सवाल को देखते साथ ही आप करैक्टरिस्टिक बता सकते हो क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक आएगी बेटा, देख लो, पॉइंट यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं, तो मतलब आखिरी में पॉइंट है, तो शिफ्ट होगा 1, 2, 3, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी बेटा, करैक्टरिस्टिक इसकी होगी, करैक्टर देख सही से लिख लेता हूँ, CHARACTER करैक्टरिस्टिक्स, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा, पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, 1, 2, 3, तो करैक्टरिस्टिक हो गया हमें पॉजिटिव का 3। जबकि इसकी मैंटिसा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको लॉग को सॉल्व करना होगा। करैक्टरिस्टिक तो आप देख के बता सकते हो, लेकिन मैंटिसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल से अगर सॉल्व करना है, लॉग टेबल से सॉल्व कर दो, 50 के 5 में जाओ और 5 के मीन डिफरेंस 4 में जाते हैं, तो उस तरह से होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह से उसे करना है। तो फिलहाल इसको शॉर्टकट फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ, लॉग लिखा आपने, बेस 10 होता है लॉग का, ये लिखा हुआ नहीं होता कैलकुलेटर में, बस लॉग लगाएंगे तो वो बेस 10 ही होता है, और इसकी वैल्यू 5054। जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर में तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 3.7036। ये एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें मैंटिसा की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैंटिसा की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट के
बाद वाली, मतलब पॉइंट से लेके ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास मैंटिसा क्या हो जाएगा बेटा, इसमें मैंटिसा हो जाएगा हमारे पास 0.7036। कितना आसान था। या तो आप डायरेक्ट निकाल के भी देख सकते हो, करेक्टरिस्टिक जो पहला नंबर होता है वो उसका करेक्टरिस्टिक होता है, और जो आखिरी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैंटिसा होती है। या तो आप डायरेक्ट देख के करेक्टरिस्टिक निकाल दो, या जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहला नंबर करेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा नंबर क्या होता है, मतलब मैंटिसा होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना इस नंबर्स के लिए, नॉर्मल डेसिमल नंबर के लिए। जीरो वाले नंबर, 0.00 करके कोई नंबर होता है उसका मेथड अलग होगा, उसको मैं आपको आराम से सही से बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो अभी इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब बताओ बेटा, इसको बिना कैलकुलेटर यूज़ करे हुए बताओ, इसमें करैक्टरिस्टिक क्या है बेटा, इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, 0.1 डेसिमल के बाद है, तो मतलब क्या इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, मैं C करके लिख देता हूँ, सी इसके करैक्टरिस्टिक क्या है, जीरो। ठीक है, और अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसका निकालना है, लॉक निकालो, इससे क्या होता है मैंटिसा की वैल्यू आ जाएगी। हम देख लेते हैं, लॉक लिखा, बेस 10 और 10, 9.992 की लॉक की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आती है इसकी वैल्यू 0.9997। तो मैंटिसा की वैल्यू क्या होगी, एम लिख देता हूँ, मैंटिसा इस एम 0.9997। कितना आसान हुआ, एक जीरो इसका करैक्टरिस्टिक और ये वाला क्या होगा, मैंटिसा हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट में जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें करैक्टरिस्टिक कितना होगा, 1, 2, तो इसमें करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। जबकि मैंटिसा की वैल्यू क्या होगी, निकाल के देख लेते हैं हम, इसके लॉग की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, लॉग 10765.3, जब इसकी वैल्यू निकाले तो हमारे पास आया 2.88839। ठीक है, 39, तो हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू क्या होगी, 0.8839, क्योंकि जीरो लगा के करते हैं हम, मैंटिसा की वैल्यू आती है। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा कितना आसान है। अब हम एक जीरो वाली वैल्यू भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, तो चलिए हम अब इस सवाल में आ गए। अब इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें आप वैल्यू देख रहे हैं 0.00329, पहले हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आई थी, इतनी छोटी वैल्यू नहीं आ रही थी, और अब क्या आ रही है हमारे पास, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। अब इसका हमें क्या निकालना है, करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो हमेशा याद रखना, अगर लेफ्ट साइड से हम अगर पॉइंट को शिफ्ट करते हैं ना, अगर हम लेफ्ट साइड से पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका जो करैक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा माइनस में आता है। ये बात को हमेशा याद रखना, अगर हम राइट साइड से शिफ्ट कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक आते हैं, और अगर हम राइट साइड से शिफ्ट कर रहे होते हैं कोई भी नंबर्स को, किसी भी पॉइंट को, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें नेगेटिव हमारे पास करैक्टरिस्टिक आती है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं और बताता हूँ इसको किस तरह से किया जा सकता है। हमेशा याद रखना, 0.00 करके कोई वैल्यू होती है ना, उसके लिए हम ये काम करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आज इसको करैक्टरिस्टिक सबसे पहले देख लेना, करैक्टरिस्टिक क्या आ रही है इसकी, पॉइंट यहाँ है, हमें एक डेसिमल के बाद पॉइंट लेकर आना होता है। तो 1, 2, 3 भाई, तीन दफ़ा जाने की वजह से 1, 2, 3, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी बेटा, करैक्टरिस्टिक हो जाएगी इसकी 3, लेकिन कौन सा 3 होगा, माइनस का 3 होगा, क्योंकि हमने तीन पॉइंट, हम डेसिमल पॉइंट आगे भरे लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका मैंटिसा निकालने के लिए, इसकी मैंटिसा की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको लॉग निकालना होगा, तो आपने लॉग लिखा, बेस 10 होता है। अब लॉग 0.00 करके नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर होगा ना, सिर्फ उसकी वैल्यू निकालेंगे, कि हमारे डेसिमल नंबर कौन से बच गए बेटा, 329 जो है। अब इसका जब आप लॉग निकालोगे और देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 329 की जो आप लॉग निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.5172। ठीक है, 2.5172। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब इस आपको पता ना, मैं सिर्फ जीरो के लिए बता रहा हूँ, मैं ये सिर्फ जीरो वाली वैल्यू के बता रहा हूँ, तो इसमें मैंटिसा ये होगा। ठीक है, और जो आप बोल रहे हैं पहले तो हम लोग इसको देख रहे हैं करैक्टरिस्टिक है, अब आप बोल रहे हैं ये करैक्टरिस्टिक नहीं, इसे करैक्टरिस्टिक की वैल्यू चेंज हो गई, तो बेटा जीरो वाले के लिए क्या करते हैं, आपके पास जो भी करैक्टरिस्टिक आती है उसमें 1+ कर देते हैं, तो वही आ जाता है, या तो फिर आप इस तरह से कर दो, पॉइंट को शिफ्ट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, -3 आ गया। और मैंटिसा के लिए आप लॉग, जो हमारे पास सिर्फ डेसिमल नंबर होंगे उसको लिखेंगे, मतलब जो नॉर्मल नंबर होंगे उसे लिखेंगे, और उसका जब लॉग निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और उसके जो आखिरी में जो नंबर बचेंगे ना वो क्या होगा, उसका मैंटिसा होगा। तो 0.5172, तो ये क्या है, उसका मैंटिसा है। इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर होगी बात मेरी। तो क्या लिखा हुआ है, 0.00033300। तो हम देखते हैं इसमें पॉइंट को शिफ्ट करते हैं और करैक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। पहला पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पॉइंट है ना, 1, 2,
3, 4, 5 यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास क्या आया, 5 आया। तो हम करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी बेटा, करैक्टरिस्टिक्स इसकी होगी कितनी, 5 होगी। ये कौन सी होगी, माइनस की होगी, क्योंकि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और स्मॉल वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी मैंटिसा की वैल्यू निकालने के लिए हम वही काम करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करा, हमें सिर्फ ये नॉर्मल नंबर होगा उसका लॉग निकालेंगे। लॉग लिखेंगे बेस 10 300, कैलकुलेटर से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.4772। तो मैंटिसा की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वाली वैल्यू क्या होगी मैंटिसा की, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मैंटिसा की वैल्यू 0.4772। तो देखिए कितना आसान था, इस तरह से आप करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें हम मैं बताऊंगा कि किस तरह से लॉग के टेबल से देखकर ये सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। पहले कैलकुलेटर से बता दिया, अब लॉग के टेबल से बताते हैं, आराम से हो जाएगा सॉल्व।